और इनके मुताबिक इन्होंने ऐसा कहा है कि उनके घर में एक इंडियन मॉनिटर लिजर्ड जिसको हम खो बोलते हैं, जो कि देखो हमारे सामने वहीं पर है। ओके, साइज भी अच्छी है, उसका कलर भी अच्छा है। ओके, अपना भाई के लिए एवढी छे, बस साइज अच्छी है, इसकी लेंथ भी अच्छी है, तो मेरे काटने के लिए लपक रही है। मेरे को भी चेरी नो है ना, चेरी होए एक दी प्लास्टिक में बोतल लावा। ओके, बहुत ही एग्रेसिव है, ज्यादा पहली बार ऐसा देखा, कितनी ज्यादा एग्रेसिव है। अब इनके नाखून देख सकते हो, बहुत ही पेने होते हैं, क्योंकि इसके तो बहुत ही पेने देख सकते हो आप, बहुत ही पेने हैं। और यदि आपकी खाल में लग जाए तो फिर उसको ये छोड़ते नहीं, देख सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पर रहती है और उसके हिसाब से इसको इस तरह से ढाला है। ओके, चलो फिर, अच्छा है, इसको हम ले चलेंगे अच्छी जगह पर। साइज भी ऊँची है, देख सकते हो यहाँ पे इसकी चितंग है, कम दिखाई देती है, पर्पल कलर की है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सेम स्नेक में होती है, यानी कि सांप में जैसे होती है उस तरह की उसकी टंग होती है। ओके, इसके पंजे देख सकते हो आप, कलर भी अच्छा है, देख सकते हो। चलो फिर इसको ले चलते हैं अच्छी जगह पर, जहाँ पर इसको अच्छी नेचुरलिटी और फ्रीडम मिल सके। तो चलो फिर, वेलकम बैक, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी हम आ गए हैं रिलीज करने के लिए, जो कि हमने पकड़ी थी बेंगलिस वर्नसिस, यानी कि इंडियन मॉनिटर लिजार्ड, जिसको हम गोह बोलते हैं, जिसको पाटला गोह बोलते हैं, चंदन गोह बोलते हैं, बहुत सारे इसको नाम है, बड़ी छिपकले भी बोलते हैं। इसका नाम है इंडियन मॉनिटर लिजार्ड, जो कि बहुत रफ एंड टफ होती है और इसके नाखून बहुत तेज होते हैं, देख सकते हो। यहाँ पर बीच ने मेरे को नाखून एक लगा दिया है, मेरे को जो खाल उसको भेद दिया, देख सकते हो किस तरह से एक ही झटके में उसने। तो फिर ये जो है, इसके आप नाखून भी देख सकते हो, बहुत ही तेज और पेने हैं, इसके कारण ये कहीं पर आसानी से चढ़ सकती है, देख सकते हो आप। और इसके पीछे के नाखून भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे हैं, देख सकते हो बहुत बड़े हैं। और देखो ये दोनों तरफ, ये ऐसे और ऐसे दोनों तरफ हिल जुल सकते हैं। ओके, चलो फिर अभी इसको हम छोड़ देते हैं अच्छी जगह पर, कि जहाँ पर इसको अच्छा खाना पानी मिल सके और ये जो जीव है वो बच सके, क्योंकि बहुत लोग इसका शिकार भी करते हैं। तो हम इसको ऐसी जगह पर छोड़ते हैं जहाँ पर इसका शिकार ना हो और ये फिर से अपना जिंदगी शुरू कर सके। तो अभी इसको हम छोड़ रहे हैं यहीं पर। ओके, तो आपने मेरा वीडियो देखा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कृपा करके आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बहुत सारे आपको फ्रेंड्स है उसको आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी देख सके और सबको शेयर कर सके और थोड़े बहुत इनसे आगाह हो सके और इसको बचा सके। थैंक यू, धन्यवाद, आओ जो